Good afternoon to all and namaste. Welcome to Unacademy, India's largest online platform. और ये हमारा चैनल है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करता है नेट के एग्जामिनेशंस पे, जो साल में दो बार होता है एज यू नो. और मेरा जो ये सब्जेक्ट है, मेरी जो ये क्लासेस है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि लॉ के परव्यू से नेट का एग्ज़ाम 15-16 को देने जा रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज टॉपिक, आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट अ बिट कि अनअकैडमी दूसरे प्लेटफॉर्म से बेटर क्यों है, और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं, उस बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी. सो जैसा कि आप जानते हैं दैट अनअकैडमी एक्चुअली वर्क्स ऑन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, और सब्सक्रिप्शन के कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं जो आपको यहाँ मिल सकते हैं. जैसे कि आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको मिलती है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड स्पेशल क्लासेस अलॉन्ग विथ रिविजन क्लासेस, ताकि हर तरीके से आपके एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी हो सके. इसमें आप एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन में इंगेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, यू नो क्वेश्चन आंसर्स कैन गो ऑन, और इस तरीके से आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं. इसी के साथ में यहाँ पे आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, विच मीन्स सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर हर चीज़ को सेट किया जाता है, कितने केसेस रिक्वायर्ड हैं, कितने प्रोविजंस रिक्वायर्ड हैं, ना कम ना ज़्यादा, जितना एक्यूरेट सिलेबस आपको रिक्वायर्ड है कवर करने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो पाएँ. इसके अलावा यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, जिसमें वीकली क्विजेस, मंथली क्विजेस, रिविजन क्विजेस, यूनिट क्विजेस और मेगा क्विजेस, जो रेगुलर बेसिस पे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जिससे हम आपकी प्रिपरेशन को एवेल्युएट करते हैं. और हर मॉक टेस्ट और हर लाइव के टेस्ट के बाद में एक डिस्कशन होता है, ताकि जो गलतियाँ आपने मॉक टेस्ट में करी हैं वो आपको याद रहे और एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप उसे ना करें. इसी के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, जिसके अंदर जितनी भी PDF फाइल्स, PPT फाइल्स, ऑडियोज और वीडियोज जो कि एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फैसिलिटी, अपने टाइम के हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं. सो देर आर रियली गुड एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ओवर एंड अबव वॉट यू गेट फ्रॉम YouTube क्लासेस. मैं अपने बारे में बता दूँ टू द न्यू पीपल हु हैव जॉइन, आई एम नेहा बुरानी, आई एम एन अकेडमी एजुकेटर. मेरी क्वालिफिकेशन सम ऑफ द फाइनेस्ट लॉ कॉलेजेस से हुई है, एंड करंटली आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. इसके अलावा मेरा 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें मैंने न्यूमरस सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ जैसे सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लिया है. मेरे अलावा इस प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के बेस्ट एंड टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल मिलेंगे, जिसके कैलिबर और क्वालिफिकेशन से आप किसी भी एग्जामिनेशन को किसी सब्जेक्ट से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं. सो आप देख सकते हैं बहुत सारे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. प्रेजेंटली हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और वीकली बेसिस पे हम लोग रेगुलरली नए सब्जेक्ट्स ऐड करते रहते हैं एज यू ऑलरेडी नो. सो प्रेजेंटली वी हैव कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, जनरल पेपर एंड टीचिंग, जो कि paper 1 है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल की बेस्ट एंड फाइनेस्ट वीडियोस आपको सिर्फ अनअकैडमी पे अवेलेबल है. और इसी के साथ में लॉ, जिसमें नेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको समराइज्ड, रिवाइज्ड और डिटेल तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होंगे प्लस प्लेटफॉर्म पे, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. अब अगर मैं बात करूँ फी स्ट्रक्चर के बारे में, सो एज़ यू आर अवेयर, हमारा जो फी स्ट्रक्चर है इट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड बिटवीन दीज 5 फेजेस, विच रेंजेस फ्रॉम 1 month टू 2 years. मैं जब भी आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ, आई ऑलवेज से दैट इफ यू आर जस्ट टेस्टिंग अन अकेडमी तो 1 month का वैलिड है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमें एटलीस्ट 1 year का टाइम देना पड़ेगा, सो दैट ईच एंड एवरी थिंग दैट यू नीड अस टू कवर, वो सब की सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, टेस्ट सीरीज, एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ. तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड टाइम हमें देना पड़ेगा. सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक द 1 year सब्सक्रिप्शन फॉर दिस रीज़न. सेकेंड रीज़न है, आप देखेंगे जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उतना कम मंथली पेमेंट आपको करना पड़ता है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 1890 देना पड़ेगा पर मंथ, लेकिन अगर आप 12 मंथ्स का लेंगे तो यहाँ पर आपको 866 देना पड़ता है. सो इट्स ड्रास्टिक 1000 ऑफ अगर आप 1 year का सब्सक्रिप्शन लेते हैं. इसी के साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए
तो उसके लिए आप मेरा रेफ़ल कोड ज़रूर यूज़ करें नेहा वन का, इससे आपको अनअकैडमी से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना प्लस कोर्स स्टार्ट करूं, तो उसका रिक्वायरमेंट ये है दैट यू गाइस नीड टू बी एडमिटेड इनटू प्लस कोर्सेज। अगर मैं किसी को भी एडमिट नहीं करवा पाती हूँ प्लस कोर्सेज के अंदर, सो आई वोंट बी एबल टू स्टार्ट माई प्लस कोर्सेज। और जो मेरा आइडिया था कमर्शियल लॉज, इंटरनेशनल लॉज एंड सब का, वो फिर हमारा नहीं हो पाएगा। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी ऑन द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म विद अ न्यू प्लस कोर्स, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप सब्सक्रिप्शन लें। आई वुड रियली होप ऑल ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एज मच एज पॉसिबल। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी एक इस तरह का मैराथन किया हुआ है, बट केस लॉ से कभी भी मैराथन यू नो कम्प्लीट नहीं होता, बिकॉज देर सो मैनी केसेस जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए, मैच द फॉलोइंग होनी चाहिए। सो आज का जो मेरा टारगेट है दैट इज 40 क्वेश्चंस, तो हम लोग ये 40 क्वेश्चंस करेंगे जो कि केस के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हैं, NTA नेट के अंदर यूजुअली सिर्फ केस लॉस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इधर आप क्रोनोलॉजी की बात करो, आप मैच द फॉलोइंग की बात करो, या डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करो, या वर्डिंग्स हेडिंग्स की बात करो, वो लोग केस को रिलेट कर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसीलिए हमारा टारगेट रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। सो इस क्लास तक हम लोग 90 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। मैं दोबारा से ये मैराथन ज़रूर करूँगी बिफोर एग्जाम्स, सो दैट हम लोग रिविजन कर सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। सो यू नो द रूल, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी और आप मुझे कमेंट्स में उसका आंसर देंगे जो लाइव चैट हमारी चल रही है, एंड देन वील डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चन कि क्या है, क्यों है और किस तरीके से आपने अपना आंसर गलत किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ पार्टिसिपेट, गलत भी है तो भी आपको कम से कम पता पड़ेगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। In which case Supreme Court held that the polygraph test conducted under compulsion is violation of Article 20 Clause 3 of the Constitution? जो भी नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं उनको इलीगल कंसिडर किया गया था कौन से केस में? सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, अरुणा शानबग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, रतन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, या एम पी शर्मा वर्सेज सतीश चंद्रा? What is the right answer? तो आप पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू टेल मी वॉट इज द राइट आंसर। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, गुड आफ्टरनून नेगी जी, गुड आफ्टरनून हर्षा, गुड आफ्टरनून अनुज, मोहित, गुड आफ्टरनून। यस, पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्टेड अंडर कंपल्शन। और कोई अगर, आई वुड सजेस्ट आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, गलत ही सही, बट डू पार्टिसिपेट प्लीज़। ये आप ही के लिए है, आप ही के रिविजन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी कर पाएं केस लॉस की। ओके, चलिए, और कोई जवाब नहीं दे रहा है, सो आई मूव टू द आंसर। ये तो कभी भी नहीं होगा, एज यू ऑलरेडी नो कि ये केस यूथिनेशिया के ऊपर है। रतन लाल केस 20 क्लॉज 3 के बारे में बात नहीं करता है। क्वेश्चन वन का आंसर है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसके अंदर ये हेल्ड किया गया था कि उन्हें बेहोश करके पॉलीग्राफ टेस्ट करना या सिडेट करके उनसे झूठ या सच बुलवाना, और नार्को एनालिसिस करना जिसमें आप पैरालिसिस का उन्हें इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें 20 क्लॉज 3 यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर आती हैं और उसका बहुत बड़ा वायलेशन है। तो इसीलिए इंडिया में इसको स्टॉप करने की डिमांड की गई थी अंडर सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन टू, द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीडिंग्स। This was laid down in the case of, so you know Article 20 Clause 3 talks about prohibition against self-incrimination. तो investigational proceedings के अंदर 20 Clause 3 apply नहीं होता है। ये कौन से case के अंदर laid down किया गया था?
केदारनाथ बिजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, काथी कालूगाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, काथी रानिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र या रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जल्दी से बताइए। Anush, this is constitutional law class in which we are doing MCQs on constitutional law cases. Anyone else who wants to answer before I give the answer for this question? Chaliye. So let me give you the answer. The answer is option number B. काथी कालू ओगाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र के अंदर यह हेल्ड किया गया था कि सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीडिंग्स के लिए क्वेश्चनिंग और समन्स किए जाते हैं और उसमें जो आपको प्रूफ या एविडेंसेस देने होते हैं वो सब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर नहीं आते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, ये सबको आना चाहिए। द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सॉरी दिस इज डील्स विथ वॉट, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी या राइट टू एनवायरमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन। उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। No, Anuj, this is not useful for commerce paper at all. I think you have joined the wrong class. Yes, this should be known to everyone. हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इस आर्टिकल को। Come on. Yes, I'm waiting for the answer. Everyone else? वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सही, उन्नी कृष्णन इज अ लैंडमार्क केस ऑफ आर्टिकल 21 क्लॉज ए विच टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। ओके चलिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अपहेल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल के अंदर हमने कौन सा स्पेसिफिक राइट को रिएटरेट किया था? राइट टू एजुकेशन, राइट टू ड्रिंक प्योर वाटर, राइट टू होइस्ट नेशनल फ्लैग या राइट टू डाई, विच वन? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। Anyone else who's answering? चलिए सबने आंसर कर दिया है, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर राइट। नवीन जिंदल के अंदर हम लोगों ने हॉइस्टिंग नेशनल फ्लैग को एज अ राइट कंसिडर किया था, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन डी राइट टू डाई की बात करता है जो कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 21 में आता है और यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं। चलिए, In which of the cases it was held that matrimonial rights are not violative of Article 14 and Article 21 of Indian Constitution? ये वाला बहुत important case है, ये आपको family law में भी देखने को मिलेगा कि matrimonial rights में जो inequality होती है that is not violation of Article 14 or Article 21. This was laid down in which case? T. Sarita versus B. Subbaiya, Harjinder versus Harvinder, Saroj Rani versus Sudarshan Kumar या Swaraj versus K. M. Garg? Which one of them? ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी इजी केस।
व्हेनेवर यू आर गिविंग द आंसर प्लीज पहले क्वेश्चन का न्यूमेरिकल लिखिए और उसके बाद आंसर, सो दैट आई डोंट गेट कन्फ्यूज वेदर यू आंसर इन द प्रीवियस वन और द प्रेजेंट वन. ओके सो डू इट लाइक 5 एंड देन राइट योर आंसर. चले चले जल्दी जल्दी फटाफट. चलिए और कोई आंसर दे रहा है? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर एग्जैक्टली करेक्ट. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. इफ यू रिमेंबर सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के अंदर हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, जो कि मैट्रिमोनियल कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करता है, उस पर क्वेश्चन उठा था दैट वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर और नॉट. और उसी के अंदर ही हेल्ड किया गया था दैट मैट्रिमोनियल राइट्स आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21. वेरी गुड. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्ट्राइक बाय लॉयर्स इज इलीगल एंड अनएथिकल एंड इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिटिगेंट फॉर स्पीडी ट्रायल. तो स्ट्राइक बाय लॉयर्स को इलीगल कंसिडर किया था इस केस के अंदर. अगर प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर से आता होगा, आई गारंटी. चलो इसमें काफ़ी मिक्स एंड मैच आंसर आ रहे हैं. द आंसर इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर स्पीडी ट्रायल के साथ साथ ये बात की गई थी कि अगर आप लॉयर्स की स्ट्राइक को अलाउ करते हैं तो ऐसे में स्पीडी ट्रायल का वायलेशन होगा. सो दिस वाज गिवन इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. चलिए क्वेश्चन 7. राइट टू लाइफ does not include right to die was held in the case of. This is another very landmark case that you all know. R. Ratinam versus Union of India, State of Kumar Bhatia, State versus Kumar Bhatia, Channa Jageshwar versus State of AP, ya Shrimati Gyan Kaur versus State of Punjab. Right to die is not a fundamental right under Article 21 was laid down in which case? वेरी गुड वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन एग्जैक्टली द राइट आंसर. ये तो क्योंकि सबके फेस पे रटा हुआ ही लगता है मुझे. ऑप्शन डी, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय अनपॉल्यूटेड वाटर एंड एयर वॉज मेड इन द केस ऑफ. तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ये राइट है कि अनपॉल्यूटेड वाटर एंड एयर का राइट है अंडर आर्टिकल 21. दिस वॉज लेड डाउन इन विच केस? Francis Corelli versus Administrator UT of Delhi, Rural Litigation and Entitlement Kendra Dehradun versus State of UP, S. Jagannath versus Union of India, ya Subhash Kumar versus State of Bihar. जल्दी से बताइए आर्टिकल 21 का लैंडमार्क केस कंसिडर किया जाता है इसको. क्वेश्चन 8, आंसर फटाफट से.
चलिए, और कोई आंसर दे रहा है इसका? अदरवाइज आई विल गिव यू द आंसर फॉर दिस. चलिए बच्चा, ये केस आपको एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर, जब आप एनवायरनमेंट लॉ पढ़ते हो तो उसके अंदर भी मेंशन होता है, और मैं आपको ये अच्छी तरह बता दूं, दैट अनपोल्यूटेड वाटर एंड एयर का एक पीआईएल फाइल किया गया था, जिस पीआईएल को फाइल करने वाला था रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि लैंडमार्क केस है फॉर वाटर एंड प्योर एयर. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 21 इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19, विच मीन्स द परव्यू ऑफ आर्टिकल 19 इज बिगर देन आर्टिकल 21. दिस वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, दरियाओ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, या ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास. ऑल फोर ऑफ देम आर वेरी वेल नोन केस. सो टेल मी, कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था? ट्राई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड्स एंड कॉमन सेंस, सो यू विल बी एबल टू नो द राइट आंसर. एनीवन एल्स हु वांट्स टू गिव द आंसर फॉर दिस, और एल्स आई विल मूव. चलिए, सबने दे दिया आंसर. सो यू आर कंफ्यूज इधर बिटवीन दिस एंड दिस. प्लीज रिमेंबर कि आर्टिकल 21 को जब एक्सटेंड किया गया था तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस था वो आर्टिकल 19 के अंदर था, टू ट्रैवल अब्रॉड, यानी कि टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और आउटसाइड. तो आर्टिकल 21 का जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ था, कि जो पूरा का पूरा एक्सटेंशन है उसका, वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कंसिडर किया गया था, और उसमें मेंशन किया गया था दैट एक्चुअली आर्टिकल 21 इज कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19. सो ऑप्शन ए मिसेज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट. दिस इज अ वेरी रिसेंट केस जिसमें राइट टू स्लीप फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हुआ था. ऑल द स्टूडेंट्स अराउंड द कंट्री क्लैप फॉर दिस केस बिकॉज दे थॉट दैट दे कुड स्लीप इन द क्लास एंड नो वन कैन वेक देम अप. तो ये होता है जब आप केस को ठीक से पढ़ते नहीं है, तो इसी तरीके के एनालिसिस आते हैं बच्चों के दिमाग में. सो राइट टू स्लीप इज अ फंडामेंटल राइट वॉज गिवन इन विच केस? नास फाउंडेशन, रामलीला मैदान, अन्ना हजारे, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, सबने आंसर दे दिया है. एक ने आंसर दिया है कि इसमें से कोई भी नहीं है. चलिए ठीक है, आइए अब इसका आंसर देखते हैं. आई होप एवरीवन हैज आंसर दिस. अन्ना हजारे का केस जो लोकायुक्त को स्टैब्लिश करने के बारे में बात करता है, नास फाउंडेशन का केस है जिसने पिटीशन फाइल करी थी सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए, रामलीला मैदान केस था जिसमें रात के 3 बजे आपने आके अरेस्ट किया या लोगों को सोते हुए लोगों पे आप टीयर गैस अगर छोड़ते हो, तो उस केस के अंदर ही हेल्ड किया गया था कि जब हम आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये भी कंसिडर करते हैं दैट इट ऑल्सो इंटेल्स राइट टू स्लीप एज अ फंडामेंटल राइट. सो आपका जो आंसर है वो है बी, इन वे रामलीला मैदान केस, जिसके अंदर इस तरीके की बात को हेल्ड किया गया था. ओके, नेक्स्ट केस.
In which of the following case Supreme Court struck down Section 66A of Information Technology Act for violating Article 21? इसका उल्टा क्वेश्चन मैंने पिछले मैराथन में पूछा था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. आर्टिकल सॉरी सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्टक डाउन कर दिया गया था. इन विच केस? सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? किसके अंदर हमने सेक्शन 66A को स्टक डाउन किया था? चलिए, और कोई आंसर दे रहा है? चलिए, ऑल ऑफ यू हैज गिवन द एग्जैक्ट राइट आंसर. श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये हेल्ड किया गया था कि सेक्शन 66A जो भी बात करता था कि अननेसेसरी कमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया कैन गेट यू अरेस्टेड, तो उस पर बोला गया था कि आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 का वायलेशन है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, और इस तरीके के आर्बिट्ररी अरेस्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया जाना चाहिए. सो दिस वॉज लेट डाउन इन द केस ऑफ श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट लेबर टेकन फ्रॉम द प्रिजनर्स विदाउट पेइंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन कम्स विद इन फोर्स लेबर? यह हमने आर्टिकल 24 में पढ़ा था. प्रिजनर्स से फ्री में काम कराना इज एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 24. सो कौन से केस के अंदर हेल्ड हुआ था? दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सजीत राव वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान या नन ऑफ द अबव? Take your time, read the case properly and answer. ये किसी भी तरीके से आपसे नेट पे पूछे जा सकते हैं. सो द मोर यू रीड, द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. और जब एलिमिनेशन मेथड आप यूज करोगे तो आपको याद आ जाएंगी चीजें. ओके, चलिए, सबने आंसर कर दिया है. ओके, अमंग ऑल ऑफ यू ओनली वन हैज गिवन द राइट आंसर. द राइट आंसर इज दिन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि चाहे आप मिनिमम वेज ही दो, लेकिन जो भी काम प्रिजनर से कराया जाता है, चाहे बास्केट मेकिंग हो, चाहे कुकिंग हो, जो भी काम उनसे कराया जाता है जो बाहर से असॉल्ट होता है, उसके लिए उनको मनी पे करा जाएगा, वरना वो प्रॉपर फोर्स लेबर के अंदर कंसिडर किया जाएगा, जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है. So option A is the right answer, Dina versus Union of India. Question 13. In which of the following case the Supreme Court has issued extensive guidelines on child labor under Article 23 of Indian Constitution? So MC Mehta versus State of Tamil Nadu, Bandha Mukti Morcha versus Union of India, मदन गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसा या बोथ ए एंड बी? आपको हिंट दे देती हूँ, दिस केस इज ऑल्सो नोन एज फायर क्रैकर केस. Yes, what is the right answer?
ऑल ऑफ यू हैव गिवन द आंसर. बेसिकली यहाँ पे आपके दो केसेस हैं जिन्होंने एक्सटेंसिव गाइडलाइंस की बात करी थी. एक आपका फायर क्रैकर केस है जो कि एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें हजारडियस वर्क से रिलेटेड बात की गई है. और बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अंदर ये बात की गई थी कि जितने भी आपके एक्ट्स हैं उसमें एक्सटेंसिव एज डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि कितने साल के बच्चे हैं जो कि एक्चुअल में अलाउड होते हैं इस तरह का काम करने के लिए. सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड बंधुआ मुक्ति मोर्चा, जिसके अंदर आर्टिकल 23 में गाइडलाइन सेटअप की गई थी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. यू न्यू वन ऑफ देम बट यू डिडंट नो दैट बोथ ऑफ देम हैव शोन एक्सटेंसिव गाइडलाइंस ऑन द सेम. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट while guaranteeing the fundamental right to freedom of religion, explanation 2 of article 25 clause 2b made it clear that reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing Sikh, Jain or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institution shall be construed accordingly. Article 25 जो आपको right देता है कि आप अपने religious institution को set up कर सकते हो, तो उसके अंदर जो हमने Hindu word use किया है, the Hindu word will automatically consist of Sikh, Jain and Buddhist. और इनको भी उसी हिसाब से institution बनाने का right है under article 25. This was laid down in which case? CWT versus R. Sridharan, Shastri Yagna Purushdas Ji versus Muldas Budas Vaishya, Bhai Vajja versus Thaka Bhai Chalbhai, Bani Bhai versus Raghubir Prasad. इनमें से कौन से केस हैं जिसने स्पेसिफिकली हिंदू वर्ड के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया था? द एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदू. क्वेश्चन 14 एक बार फिर से पढ़िए ठीक से and tell me the right answer. Yes, try to participate as much as possible, all of you. Okay, तो सबने आंसर दे दिया है. So let's start with our answer. Hindus के explanation about article 25 was given in the case of Shastri Yagna Purushdas Ji case, जिसके अंदर ये हेल्प किया गया था. स्पेसिफिकली उन्होंने बात करी थी जो जैन धर्म के मंदिर होते हैं और जो बुद्धिस्ट रिलिजन या आप जोरास्ट्रियन की जो बात करते हो, वो सारे के सारे लोग हिंदूज के अंदर कंसिडर होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 के अंदर इनका स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है. तो उस चीज़ को रेटरेट करने के लिए ये केस फाइल किया गया था. और हिंदूज के अंदर या हिंदूज इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनको भी अलाउ करा जाता है टू मेक देयर ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. सो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर. क्वेश्चन 15, विच इज नॉट अ लीडिंग केस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन? एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोम विठलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एएस नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, या बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओपीएस होम? विच इज नॉट अ लीडिंग केस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए इसमें.
Okay, anyone else who wants to give the answer before I give answer for the same? Okay, सबने आंसर दे दिया है. चलिए, सो द आंसर इज इधर सी और डी. ये तीनों के तीनों केसेस, राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन, राइट टू मेक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं. बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओपीएस हून इज द ओनली केस दैट डज नॉट टॉक अबाउट आर्टिकल 25. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट थ्रू एलिमिनेशन मेथड. और अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो तो यूजुअली एलिमिनेशन मेथड हेल्प्स यू टू डू द सेम. द कंक्लूसिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C विच इज एंड नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी वॉज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ. आर्टिकल 31 एक सेविंग क्लॉज है जो कि बोलता है कि आर्टिकल 31 के अंदर जो भी लॉज हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. इसको वापस रेटरेट करने के लिए और जुडिशियल रिव्यू को उसकी पावर वापस देने के लिए कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस अथॉरिटी को स्ट्रक डाउन किया था? गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, भीम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या केशव नंदा भारती केस. विच केस held that saving clause will not include protection from judicial review? Question number 16. अब ये तो कंफ्यूजिंग है क्योंकि चारों के चारों महारथी केसेस हैं, तो हमें तो याद ही नहीं आ रहा होगा कि इसमें कौन सा है ना. चलिए, सो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर, सो इट्स बेटर आई गिव यू द राइट आंसर. दिस वॉज लेड डाउन फाइनली इन द केस ऑफ केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, जिसने जुडिशियल रिव्यू वापस कर दिया था टू द कोर्ट्स पर्टेनिंग टू सेविंग क्लॉज अंडर आर्टिकल 31. ओके, चलिए ट्राई टू गिव आंसर फास्टली, बिकॉज आप लेट दोगे मैं आंसर बता दूंगी तो फिर कोई मतलब नहीं होगा उसका. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर द प्रोविजंस ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट which gave precedence to allow the DPSP over the fundamental rights invalidated by Supreme Court. In mein se kaun se case ke andar ye bola gaya tha that DPSP can never overwhelm fundamental rights. Fundamental rights will always be given an utmost top priority even over DPSP. To ye kaun se case ke andar held hua tha? Indira Gandhi versus Raj Narayan, Women Rao versus Union of India, केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला या मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. सी जल्दी स्पीड में दीजिए. श्री श्रेया शी गेव इट रियली फास्ट. आराम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिना पढ़े दीजिए, बट ट्राई टू गिव इट फास्टर, क्योंकि आप इतना टाइम लेंगे ना तो फिर नेट के एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जानी है आपको. ठीक है, एनीवन एल्स हु वांट्स टू गिव द आंसर? सो देर आर 23 पीपल हु आर वॉचिंग, बट ओनली 7 or 8 ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिंग. सो आई वॉन्ट एवरी वन टू रिस्पॉन्स, तभी मुझे समझ में आएगा दैट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्लास और वेदर यू हैविंग ट्रबल. ओके, सो लेट्स गिव यू द आंसर फॉर दिस. मोस्ट लोगों का सही आंसर है DPSP को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी. दिस वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया,
which gave priority to the fundamental rights over DPSP. Okay, so option D is the right answer. In which of the following case, Supreme Court ruled that the principles of sovereign immunity will not apply to proceedings for award of compensation for violation of fundamental rights. अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए जो कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी उससे सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर. ये कौन से केस के अंदर लेट डाउन किया गया था? सॉवरेन इम्यूनिटी, इफ़ यू रिमेंबर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की होती है. सो इट्स जे के कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ ओडिशा, कस्तूरी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी या स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती. किसके अंदर लेट डाउन किया गया था ये? चलिए, सबने आंसर दे दिया है. सो मोस्ट आंसर इज डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी. सो आई टेल यू द राइट आंसर कि सॉवरेन इम्यूनिटी का जो एक लैंडमार्क केस है जो हम लोगों ने पढ़ा भी था जब हमने सॉवरेन इम्यूनिटी पढ़ा था, इट्स नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसा विच टॉक्स अबाउट एनी अवार्ड फॉर कंपनसेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सॉवरेन इम्यूनिटी. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. In which of the following case, compensation was first time awarded for violation of fundamental rights? Usually ये सज़ा के बारे में बात करता है, but for the first time compensation मिला था for violation of fundamental rights in which case? Sunil Bhatra versus Delhi administration, Rudal Shah versus state of Bihar, Dharm Singh versus state of Jammu and Kashmir या इनमें से कोई नहीं? None of the above. Question 19. All the people who are watching, I would again suggest please go for our subscription platform. If you want to see some of my best courses, plus courses or net examinations, जो कि बहुत ही specific subjects पे है, जैसे कि IPR, comparative constitution और IT, environment law. Please subscribe to an academy using my referral code Neha1. The more students who will join, the more it would be easy for me to start my plus course. So please do it as much as possible. चलिए, सबके आंसर आ गए हैं. So most of you have got the answer right. सबसे पहले जो compensation किया गया था, that compensation was given in Rudal Shah versus State of Bihar. So option B is the right answer. In which of the following case Supreme Court relied heavily on DPSP contained under Article 48 of the Constitution to uphold a state law which was challenged as a violation of fundamental right as religious freedom. तो ऐसा कौन सा केस है जो आर्टिकल 48 ऑफ डीपीएसपी के ऊपर हेविली रिलाइड था बिकॉज इट वॉज गार्नरिंग वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मिर्जापुर मोती खुरेशी, पी ए मामदार, सूबे सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा या नन ऑफ द अबव? पहले ये याद करिए दैट आर्टिकल 48 एक्चुअली टॉक्स अबाउट व्हाट इन डीपीएसपी. Thank you.
so sorry, there is some difficulty that is happening. Please excuse me. I'm so sorry. I have to take a call. मेरे पास एक्चुअली फ्लैट भी नहीं है, मैंने फ्लैट भी अपना दे दिया था ना, बिकॉज आई थॉट कि मेरा इस बार हुआ नहीं है। I'm so sorry for the disruption. I'm so sorry. Okay. ओके सो क्वेश्चन 20 का आंसर है, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। सो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती खुरेशी, सो दिस वाज लेड डाउन इन द केस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, इट वाज एन अर्जेंट कॉल दैट आई हैड टू टेक। भारत मैं अभी सारी क्लासेस नहीं ले रही हूँ, आई एम ओनली टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सो फार, सो That's the idea. According to the case of B. Emanuel versus State of Kerala, what is imperative to show the requisite respect to the national anthem? तो इनमें से किसने स्पेसिफिकली बोला था नेशनल एंथम को लेकर कौन सी चीज़ है जो हमें अटेन करने की ज़रूरत है? सो वेदर इट्स टू बाउ, टू सिंग द सेम, टू स्टैंड रिस्पेक्टफुल, या टू सिंग एंड स्टैंड रिस्पेक्टफुली, इसमें से कौन सा लेट डाउन किया गया था? B. Emanuel versus State of Kerala. ओके हरी, अब फटाफट से आंसर दीजिए मुझे। ओके चलिए, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर करेक्ट, इज टू स्टैंड रिस्पेक्टफुली।
जब भी आपका नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या नेशनल एंथम से, यूजुअली क्वेश्चन यही उठता है कि खड़े होना ज़रूरी है क्या या गाना ज़रूरी है क्या. तो बी इमैनुअल के अंदर ये लेट डाउन किया गया था दैट यू हैव टू स्टैंड रिस्पेक्टफुली व्हेन इट कम्स टू नेशनल एंथम. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी यूज एज अ टूल टू कंट्रोल स्टेट एक्शन ड्रिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ये काफी लैंडमार्क केस है. कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे? एलसी कोलवाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सचिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स. इनमें से कौन सा लेट डाउन किया गया था केस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एक्टिंग एज अ टूल फॉर स्टेट एक्शन? जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट से. ओके चलिए, द राइट आंसर इज एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स, जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को एज अ टूल फॉर फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया था. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस वॉज इट ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रेसिडेंट शुड नॉट बी पेट्रीफाइड नॉर जुडिशियल डिक्टा डिवोर्स्ड फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक मोरेस ऑफ एज? मामलेश्वर वर्सेस कन्हैयालाल, केसी दोरा वर्सेस सी अन्नामय नायडू, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ कैलकटा या बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार? प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस. चलिए, सो इसका राइट आंसर है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस की बात करी गई थी. सो
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ इज अ सेपरेट क्लास. दिस वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ राम प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ बिहार, सॉरी स्टेट ऑफ बिहार, पी के गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज जी सी मंडावर, पी वी शास्त्री वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. सो दिस वॉज लेड डाउन इन विच केस दैट प्राइम मिनिस्टर को इटसेल्फ एक सेपरेट क्लास कंसिडर किया जाता है. क्वेश्चन 24. यस ओके चलिए. सो इसका राइट आंसर है पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को सेपरेट क्लास कंसिडर किया गया था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. तो गवर्नर की पावर्स, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में लाने के लिए कौन सा केस लेट डाउन किया गया था. सो महावीर प्रसाद शर्मा वर्सेस प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रताप सिंह रावराजी रेने वर्सेस गवर्नर ऑफ गोवा, नबान रबिया एंड बमन फिलिक्स वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, या नन ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा है जिसके अंदर 163 को जुडिशियल परव्यू में कंसिडर किया गया था. यस ओके मोस्ट आंसर्स है ए, एक आंसर है बी. चलिए इसका राइट आंसर है एक्चुअली नबन राबिया एंड बमन फिलिक्स वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, जिसके अंदर गवर्नर की बात करी गई है कि गवर्नर की जो कंट्रोल है 163 जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ओवर द स्टेट असेंबली वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंदर आएगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Which of the following cases is in connection with parliamentary privileges? तो parliamentary privileges का कौन सा केस है. ए के गोपालन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, या केशव सिंह वर्सेज स्पीकर ऑफ यूपी असेंबली. वेरी राइट आंसर, बहुत ही ईजी है क्योंकि आंसर के अंदर ही इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है. क्वेश्चन 26.
चलिए, सबने आंसर दे दिया है इसका, सो लेट्स मूव टू द आंसर. मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर करेक्ट बिकॉज ये ऑप्शन में ही दिया हुआ है. केशव सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ यूपी असेंबली विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द एनजेक एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ. तो एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन से केस के अंदर डिक्लेयर किया था? 2015 का केस है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल केस. एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑफ 1998, सकल चंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. क्वेश्चन 27, एवरीवन शुड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. फटाफट फटाफट आंसर दीजिए इसका. आई वॉन्ट ऑल 17 ऑफ यू टू आंसर द क्वेश्चन. अरे आप चलिए, सबने इसका आंसर दे दिया है. बिल्कुल सही आंसर है, एस सी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है, जिसमें एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के परव्यू में लेकर आया था ये केस. ये कौन सा केस है? एस आर बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एस पी मित्तल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, या एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. विच केस टॉक्ड अबाउट दिस? ओके, चलिए सबने इसका आंसर दे दिया है. सो द राइट आंसर सिर्फ एक जने का आया है, दो जनों का आया है अभी. यस, ट्राई टू गिव द राइट आंसर फॉर दिस. जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लेड डाउन इन विच केस. चलिए, सो लेट मी गिव यू द राइट आंसर. द राइट आंसर इज एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, विच टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू एज बेसिक स्ट्रक्चर. ये आपका एडमिन लॉ के अंदर भी आ सकता है. ओके, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन परमिसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. तो 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कौन से केस के अंदर दिया गया था? 9th शेड्यूल टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ द लैंड एक्विजिशन केसेस, जिसमें कोर्ट का परव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन इस केस के बाद में जुडिशियल रिव्यू अलाउड है फॉर 9th शेड्यूल. केशवनंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, या आई आर कोहिलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु. विच केस टॉक्ड अबाउट इट?
Yes, what is the right answer? चलिए क्वेश्चन 29 सबने आंसर दे दिया है. द राइट आंसर इज आई आर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु विच टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको आप ध्यान से लर्न कर लीजिए. ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट हुएवर अ पर्सन कंप्लेन्स एंड क्लेम्स दैट देर इज वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ विच अलोन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अट्रैक्टेड. तो सिर्फ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 नहीं होता है, स्पेशल एडवांसेस, स्पेशल सिचुएशंस बतानी पड़ती हैं जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा. सो दिस वॉज लेट डाउन इन द केस ऑफ विच रामदास अथावाले वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मूलचंद वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, के पी चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश या स्टेट ऑफ केरला वर्सेज के एम चरिया अब्दुल्ला. कौन से केस के अंदर लेट डाउन किया गया था? रीड क्वेश्चन 30 प्रॉपरली एंड आंसर द क्वेश्चन. ये हमने आर्टिकल 32 में किया है, ये केस भी किया है और ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया था. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू इट इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल केसेस. यस, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से. ओके चलिए सबने आंसर दे दिया है इसका और राइट आंसर 3-4 जनों ने दिया है. सो द राइट आंसर इज रामदास अथावाले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच टॉक्स अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉक अबाउट आर्टिकल 32 एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज लेड डाउन दैट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन डिजॉल्विंग अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. तो ऐसा कोई भी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व करने की बात करता है या सब्जेक्ट उस ऐसे किसी भी प्रोक्लेमेशन को जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाला जाएगा, बिकॉज इस तरह का जो प्रोक्लेमेशन है वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं कर सकता. इट वॉज लेड डाउन इन विच केस? अरुण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एस आर बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ए के रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इन विच केस इट वॉज लेड डाउन?
चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए सब लोग। यस चलिए बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सबने इसका राइट आंसर दिया है। सो द राइट आंसर हियर इज एस आर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच टॉक्स अबाउट एनी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन डिसॉल्विंग अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व दैट इफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट बोथ वर टू बी थॉट ऑफ एज ब्रदर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस द हाई कोर्ट हैज लार्जर ज्यूरिसडिक्शन बट द सुप्रीम कोर्ट स्टिल रिमेन्स एज एल्डर ब्रदर। तो सुप्रीम कोर्ट के एपिक्स कोर्ट होने के रजिस्ट्रेशन को कौन से केस के अंदर हेल्ड किया गया था? ज़ाहिरा अबीबुल्ला वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, तिरुपति बालाजी डेवलपर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, ऑनरेबल श्री रंगनाथ मिश्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2002। कौन से केस के अंदर हेल्ड डाउन किया गया था इसको, जल्दी से बताइए फटाफट से। हरिया यस, क्वेश्चन 32 का आंसर जल्दी से। चलिए फटाफट सब लोग आंसर दे दीजिए 32 का। ओके चलिए द राइट आंसर इज तिरुपति बालाजी डेवलपर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार विच टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट बीइंग एपिक्स बट द परव्यू ऑफ हाई कोर्ट इज हायर। क्वेश्चन 33, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इल्यूडेड फ्रॉम द यूनियन लिस्ट इफ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी ऐसी लिस्ट पे बनाने की जो कि यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट में प्रेजेंटेड है इन स्पेशल ओकेजन्स। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एस एस ढिल्लों, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज आर एम डी सी, हॉचेस फार्मास्यूटिकल वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड जेवर भाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। कौन से केस के अंदर ये लेट डाउन किया गया था? क्वेश्चन 33। बहुत ही जाना माना केस है ये यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दिस केस इन आवर वीडियोस। चलिए जल्दी जल्दी। ओके सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर है यूनियन ऑफ इंडिया वर्चेस एच एस ढिल्लों।
okay, and it is also a very important case. The case of State of Bihar versus Kameshwar Singh is related to which of these doctrines? So ये कौन सी डॉक्ट्रिन का लैंडमार्क केस है? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस या डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन? Six more questions to go. Our target was 40 questions today. Six more questions. Yes. Question 34. Jaldi se answer de dijiye iska fatafat se. चलिए, वेरी गुड. दो जनों ने राइट आंसर दिया है इसका. डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का ये स्पेसिफिक लैंडमार्क केस है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह. ओके, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट गेव डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कौन से केस के अंदर आया था? शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला? कौन से केस के अंदर हेड किया गया था? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट से एकदम. चलिए, राइट आंसर ऑलमोस्ट. जल्दी आंसर दे दीजिए इसका फटाफट से सब लोग. आई एम वेटिंग, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ आपको. चलिए, ऑलमोस्ट सब ने इसका राइट आंसर दिया है. यू आर ऑल करेक्ट. गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर हमने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को कंसिडर किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डील्स विथ सर्विस कंडीशंस? एयर इंडिया वर्सेज नरगेश मिर्जा, जावेद अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मधु किश्वर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार या उस्मान वर्सेज स्टेट? कौन से केस के अंदर सर्विस कंडीशंस की बात करी है अंडर आर्टिकल 14? हिंट भी दे दिए मैंने, और बहुत बहुत ही फेमस केस है ये, क्योंकि बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ था इस केस में. जल्दी बताइए.
चलिए, वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर. बहुत फेमस केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन किया गया था कि प्रेगनेंसी या मैरिज होने के बाद में एयर होस्टेस को नौकरी छोड़नी पड़ती थी, तो इस इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था अगेंस्ट एयर इंडिया. तो ये केस उसके लिए फेमस है, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा. इन विच ऑफ द केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व that there is a need to confine the exercise of power under 356(1) strictly to the situation mentioned therein, which is the condition precedent to the said exercise. यानी कि जो प्रेसिडेंट की पावर है 356 की, वो सेट केसेस में ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एब्सर्ड और आर्बिट्रेरी स्टेट प्रेसिडेंशियल कंट्रोल लग रहा था अंडर आर्टिकल 356. तो उसको कर्व करने के लिए कौन सा केस था, हमने कल ही किया है ये केस, तो आपको याद होना चाहिए. SR Bombay versus Union of India, Minerva Mills versus Union of India, Golaknath versus State of Punjab, या State of Rajasthan versus Union of India, किसके अंदर ये बात करी गई थी. क्वेश्चन 37 ध्यान से पढ़िए, हमने कल ही इस क्वेश्चन को किया है. Yes, question 37, read properly and then tell me the answer. चलिए, क्वेश्चन 37 ऑलमोस्ट सबने आंसर दे दिया है. दे आर कन्फ्यूज बिटवीन ए एंड डी. मैंने आपको बताया था एस आर बॉम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कंसिडर किया गया था अबाउट द पावर एंड एब्सर्डिटी अंडर आर्टिकल 356, उसको कर्ब करने के लिए एस आर बॉम्बई का केस आया था. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. In which case it was laid down that the amendment in the constitution is exercise of legislative function of the parliament? Shankari Prasad, Golaknath, Sajjan Singh या Keshav Nanda Bharti? अब ये है तो चारों amendment के ही, पर किसने बोला था that amendment is the constitution is the exercise of legislative function and not the executive function? किसके अंदर laid down किया गया था? In which case? Question 38. चलिए, सबने आंसर दे दिया है इसका, तो आई गिव यू द आंसर फॉर दिस. यस, द राइट आंसर दैट लेजिस्लेटिव फंक्शन बताया था अमेंडमेंट को, जिसने सबसे ज़्यादा आर्ग्यू किया था अमेंडिंग प्रोसीजर के ऊपर, और वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज रूल्ड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक. गवर्नमेंट सर्वेंट को स्ट्राइक पे जाने का राइट नहीं है, ये कौन से केस के अंदर लेट डाउन किया गया था? टी आर रंगराजन केस, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा,
श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या चाहत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौन से केस के अंदर लेट डाउन किया गया था? जल्दी से आंसर दे दीजिए फटाफट से इसका। क्वेश्चन 39। ओके चलिए, एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर फॉर दिस। टी आर रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दैट गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इंडियन नेशनल एंथम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल इंडिया एज अ कंट्री, अ कॉन्फिडेंस ऑफ मैनी रिलीजन रेसेस कम्युनिटीज एंड ज्योग्राफिकल एंटिटीज, इट इज अ मैसेज ऑफ यूनिटी। ये स्टेटमेंट कौन से केस के अंदर लेट डाउन किया गया था? संजीव भटनागर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल, सुशांता टैगोर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया या अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौन से केस के अंदर ये लेट डाउन किया गया था? यस, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सही आंसर देके एंड करें आज की क्लास। जल्दी बताइए फटाफट से। चलिए, बिल्कुल किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया इसका, सो मुझे ही देना पड़ेगा। द राइट आंसर विच टॉक्स अबाउट द नेशनल एंथम एज द मैसेज ऑफ यूनिटी वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं एक बार और कोशिश करूंगी, अगर टाइम मिला कि मैं इसके ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के केसेस में एमसीक्यू ले पाऊँ, सो आई वुड डेफिनेटली डू इट। सो बिफोर गोइंग टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू सी द रेगुलर कोर्सेज। यू कैन यूज़ माई कोड नेहा1 टू गेट एक्स्ट्रा 10% फ्रॉम अनअकैडमी। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं विद द नेम लेट्स क्रैक NTA UGC नेट, जिसमें आपको रेगुलरली मेरे वीडियोज मिलेंगे 12 to 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। इसी के साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी के साथ में, विच इज़ लेट्स क्रैक NTA UGC नेट, जिसपे आपको करंट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स अवेलेबल होगा। आई वुड रियली लाइक ऑल ऑफ यू टू जॉइन इट। और इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, सो दैट आई कैन मेक द चेंजेस। आई होप टू सी ऑल ऑफ यू एट 3 o'clock। मेरी फ्री स्पेशल क्लास है जूरिसप्रूडेंस पे, जिसमें हम लोग लॉ एंड मोरालिटी पे डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन 3 o'clock ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच ऑल फॉर दिस मैराथन सेशन, फॉर ज्वाइनिंग इट। थैंक यू। यस रेखा, आई विल ट्राई टू कवर इट बाय 31st or 1st। आई नो लेजिस्लेटिव वाला पार्ट रह गया है, सो आई विल ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।